यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस एपिसोड में हम लोग आ चुका हूँ मेरे सर्वाइवल सीरीज वर्ल्ड में। तो देखो, इस एपिसोड में हम लोग बनाने जा रहे हैं प्यारा सा फार्म, शुगर किंग फार्म नहीं यार। इस एपिसोड में ना हम लोग कैरोट फार्म करेंगे। देखो यहाँ पर स्केलेटन को मारता हूँ और उसको माइनने के बाद अब हम ऐसे बकेट को बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने माइनिंग करने के बाद बकेट को बना लिया। अभी देखो हम लोग आ चुके हैं मेरे हाउस में, तो हाउस से अभी हम लोगों को बाहर जाना है। ओके, डोर को ओपन करना है एंड देन फाइनली अब हम लोगों को जाना है माइनिंग करने के लिए। देखो हम लोग माइनिंग करेंगे, बहुत सारे डायमंड लेकर आएंगे और एक प्यारा सा फार्म बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे विलेज आ रहे हैं, मैं इस विलेज की किंग हूँ, यानी कि इस विलेज को काफ़ी खतरे से मुझे बचाना मेरा फर्ज है, तो इसलिए मुझे इस विलेज को सुरक्षित रखने के लिए मुझे बहुत सारे डायमंड की ज़रूरत है। और डायमंड से हम लोग बहुत सारे खतरनाक सा वेपन बनाएंगे और उससे हम लोग जोम्बी को मारेंगे। ठीक है, जोम्बी को क्यों मारना है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जोम्बी विलेजर को जोम्बी विलेजर में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर केव में जाने के लिए मुझे एक सिस्टम है, इसको बाकेट से फर्स्ट ऑफ ऑल पानी को ऐसे लेना है और सीधा पानी को लेकर मुझे अब जाना है नीचे। ओके, फाइनली हम लोग आ चुका हूँ यहाँ पर। देखो बहुत सारे लावा है, इस जगह पे केव है भाई। लावा तो मेरे भाई, मैं लावा पे गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। देखो यहाँ पर एंडरमैन है और देखो यहाँ पर आ रहा है जोम्बी, मुझे मेरे साथ फाइट करने आ रहे थे, उसको मैंने मार दिया। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे रेडस्टोन मिल गया, तो मुझे रेडस्टोन को माइनिंग करके लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी रेडस्टोन है, इसको भी माइनिंग करके ले लेता हूँ। वो आप भाई साहब क्या बात है यार, मुझे एक से भी मिल रहा है और रेडस्टोन भी मिल रहा है। रेडस्टोन से हम लोग काफ़ी सारे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर गोल्ड मिल गया और देखो सामने आ रहा है जोम्बी, तेरी ऐसे की तैसी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ ये बंदा। भाई मेरे साथ पंगा मत लो यार। अबे नीचे तो बहुत सारे केब हैं, बड़ा सामने देखो डायमंड, मतलब यहाँ पर सामने यहाँ पर गोल्ड है। ओके, गोल्ड को लेने के लिए हमें उस दूसरी साइड अभी जाना है, एक ट्रिक को लगाना पड़ेगी। ओके, अबे यार यार, अबे नहीं मारना भाई, मैं गिर जाऊंगा सीधा केव में, मर जाऊंगा सीधा। ओके, उसको मारने के बाद अभी हम लोगों को जो वाटर है ना, वाटर बकेट को इसको जंप देकर यहाँ पर मार दिया भाई। वाटर तो अभी देखो इससे ऊपर जाऊंगा भाई, सिस्टम है सिस्टम। ठीक है, ऊपर जाने की बहुत मस्त एक सिस्टम हो चुके हैं, ऊपर आ चुका हूँ। देखो अभी वाटर को कलेक्ट कर ले लेता हूँ एंड देन हम लोग देखो यहाँ पर क्रीपर भाई। अबे 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 पीछे से कौन मार दिया, सीधा यू डेड भाई। फिर से आता हूँ एंड यहाँ पर देखो मैं गोल्ड को ले लेता हूँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यहाँ पर गोल्ड को ले लेता हूँ। ओके भाई, गोल्ड को लेने के बाद पूरे तरफ में पूरे जगह पे यहाँ पर मतलब बहुत सारे यहाँ पर जोम्बी हैं और दो। ओ भाई साहब देखो यहाँ पर मुझे डायमंड मिल गया भाई, ये मेरा लाख है यार, क्या बात है यार। मैं तुम सच में बता रहा हूँ भाई, मैं क्रिएटिव की कोई यूज ही नहीं किया भाई यहाँ पर। ओके देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो विलेजर के यहाँ पर बहुत सारे पोटेटो हैं, इसको मैं हार्वेस्ट करके ले लेता हूँ। ओके भाई कितने सारे भाई, अलग ही मजा आ रहा है इसको तोड़ने में। ओके इसको भी ले लेता हूँ भाई, इससे हम लोग हेबल बना सकते हैं। ओके हेबल बना के रख दूंगा विलेज में और बहुत सारे एनिमल मतलब हम लोग फार्म बनाएंगे। ओके देखो यहाँ पर फिर से रिप्लांट करता हूँ और रिप्लांट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कैरोट हैं भाई, कैरोट को ले लेता हूँ भाई, कैरोट खाने में बहुत मजा आएगी। ओके अभी देखो हम लोग कैरेट को ऐसे ले लिया, अबे पानी में गिर गया, इसको फिर से ले लेता हूँ एंड देम देखो यहाँ पर भी बहुत सारे कैरेट हैं, इसको भी ले लेता हूँ भाई। बहुत अच्छे से इन लोगों की एक फार्म बना हुआ है, मैं एक बड़ा फार्म बनाऊंगा। ओके अभी देखो इसको कलेक्ट करने के बाद मौसम तो बहुत अच्छे लग रहा है भाई, बारिश हो जाएगी तो। अबे भाई मेरे हाउस में क्या कर रहा है यार, कोई बात नहीं इसको तो मैं जाने देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है गाँव, उसको मैं फीड खवा देता हूँ अभी। अबे कहाँ पर जा रहा है भाई, इसकी भी बाद में एक फार्म बना हुआ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस जगह पे एक एरिया बना लेना है और देखो यहाँ पर से हम लोगों को यहाँ पर डाट है ना, डाट को कलेक्ट कर लेना है। ओके एक मार्क कर देना है। फाइनली पूरे जगह के डाट को मैंने हटा चुका हूँ, अभी थोड़े और बाकी हैं, इसको भी मैं डाट को हटा देता हूँ।
ओके यार, बहुत सारे डाटे ऐसे हो चुके हैं अभी तो। देखो यहाँ पर और भी हैं, इसको भी कलेक्ट करके देखो। सामने एक लाइन दिख रहा है ना, इसको भी मैं ऐसा हटा देता हूँ। ओके फाइनली देखो, इस जगह पे मैंने डाट को हटा दिया इस जगह से और जाकर सो गया। अगले दिन मैं यहाँ पर बूट लगाने की स्टार्ट किया। यहाँ पर से हम लोगों को बूट को लगाना है। मैं बहुत सारे बूट को कलेक्ट करके इस जगह पे लगाना स्टार्ट कर दिया और पूरे जगह पे मैंने डार्ट को मतलब यहाँ पर जो बोर्डन है ना उसको मैं लगा दिया। अभी देखो भाई, पूरे वीडियो तुम लोगों को दिखाना इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोबाइल से मैं गेम खेल रहा हूँ ना, बहुत दिक्कत आ जाते हैं मेरे सामने। अभी यहाँ पर मैं डार्ट को फुल कर लेता हूँ, पूरे जगह पर मैं डार्ट को यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड देम भाई बहुत अच्छे लग रहा है मेरा वर्ल्ड। ओके अभी तो इस जगह पे मुझे लगा देने हैं डार्ट को, तो पूरे जगह पे मैंने डार्ट को लगा देता हूँ। इस जगह पे भी लगा देता हूँ भाई। फाइनली मेरा डार्ट का बहुत ज़रूरत है, तो मुझे डार्ट को कलेक्ट करने के बाद फिर से आ जाता हूँ और डार्ट कलेक्ट करने के बाद फिर से आके मैं इस जगह पे लगा देता हूँ। ओके गाइस, फाइनली पूरे जगह पे मैंने डार्ट को फिल करने के बाद इस जगह पे देखो, अभी हम लोगों को ऐसे थोड़े बहुत यहाँ पर स्टेप्स लगा देने हैं। तो देखो अभी तो मेरा पूरा मतलब बेस कंप्लीट हो चुका है फार्मिंग करने के लिए। अबे भाई, अबे नहीं मारना है यार, अबे मर जाऊंगा भाई। उसको मारने के बाद मैं सीधा आके सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह उठने के बाद मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ओके पेंस को लगा देता हूँ और गेट को लगा देता हूँ, और उसको लगा देने के बाद फाइनली हम लोगों का फार्मिंग बेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोगों को ऐसे थोड़े बहुत ऐसे हो बना लेना है स्टोन की हो, और मैंने थोड़े बहुत वुडन टूल्स बना लिया। अभी देखो इस जगह से पूरे जगह को हम लोगों को हो से कन्वर्ट करना है, मतलब इस जगह पे हो कट देना है, और उससे हम लोगों को फार्मिंग करने के लिए ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। ओके गाइस, फाइनली पूरी जगह को मैंने यहाँ पर हो से कन्वर्ट करने के बाद अभी हम लोगों को कैरेट को यहाँ पर मतलब रिप्लेंट करना है। ओके फाइनली देखो, पूरी जगह पे मैंने रिप्लेंट कर रहा हूँ। ओके ओके गाइस, देखो फाइनली पूरे जगह पे मैंने रिप्लेंट कर दिया कैरेट को, और देखो यहाँ पर एक पीक आ चुके हैं, उसको मैं थोड़ी खिला देता हूँ अभी उसको। ओके खिला देने के बाद अभी हम लोग थोड़े बहुत रिप्लेंट कर देते हैं, क्योंकि मुझे सर्वाइव करने में बहुत हेल्पफुल होगी कैरेट से। कैरेट खाऊंगा तो बहुत अच्छी हेल्थ ग्रो हो जाएगी। ओके देखो यहाँ पर इसको लगा दिया और बेड में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह मैंने उठ गया और उठने के बाद देखा कि मेरे फार्म में ग्रो हो रहा है। देखो यहाँ पर पोटैटो और कैरेट मैंने यहाँ पर लगा दिया था, अभी इन लोग ग्रो हो रहे हैं। देखो मौसम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखो फाइनली यहाँ पर थोड़े बहुत और लगा देता हूँ, मेरे पास और भी काफ़ी सारे हैं। नाइट हो गया तो इसलिए मैंने लगा नहीं पाया। अभी देखो यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं मैं उसको रिप्लेंट कर देता हूँ। ओके यहाँ पर इसको भी रिप्लेंट कर देता हूँ, और देखो मेरे पास बहुत सारे सीड हैं, इसको भी मैंने रिप्लेंट कर देते हैं। A few moments later. Finally, देखो मैं सुबह होने के बाद सो के उठ जाता हूँ। अभी देखो मौसम बाहर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, बारिश भी हो रहे हैं। मुझे अब बाहर जाके देखना है कि मेरा जो कैरेट और पोटैटो ग्रो हो रहा है या फिर नहीं। तो देखो बारिश में भीगने की मजा ही एक अलग है। ओके हम लोग जा रहे हैं अभी। अबे भाई देखो बाहर की वेदर कितनी मतलब क्या खतरनाक सा लग रहा है यार। देखो ऊपर से बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर पोटैटो और कैरेट सब कुछ ग्रो हो चुके हैं। एंड देन देखो यहाँ पर से मैं इसको लेकर खा भी सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पर भी ग्रो हो चुका है, कितनी प्यारा सा लग रहा है यार। तो देखो सब्सक्राइब कर देना जिन लोग चैनल पर नए हो, और देखो यहाँ पर बहुत सारे कैरेट हैं। ओके ओके फाइनली देखो मेरा कैरेट तो ग्रो हो गया। तो प्लीज़ भाई जिन लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।